हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हुई। आर बैक टू अनदर वीडियो। बाकू में है, आज हमारा पांचवा दिन, ठीक है। और हम लोगों ने आज जो पहना हुआ ना यार, ये पहना हुआ शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए हैं और इस तरह की ड्रेसिंग, इस वजह से कि आज हम जा रहे हैं बीच पे। मौसम अच्छा बीच वाला तो है, अब देखो वहाँ पे रश होता है या नहीं होता, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। 45 मिनट की ड्राइव है, तो वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या सीन होने वाला है आज। बोर्ड करवाई थी वहां से, मैंने आपको बताया था कि 13 किलोमीटर का जो था वो सफर था। ट्राई करते हुए जा रहे हैं और ये सामा साहब तो वैसे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी जो हवा है ना वो थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन मजा आ रहा है। देख सकते हो कि थोड़ा सा किलोमीटर रह गया, 2.7 किलोमीटर, उसके बाद जो है वो हम पहुंच जाएंगे। क्यों होता है जिधर जाते हैं जिस जगह पे वो बंद होती है। अब हम लोग गए हैं तो वो कहते हैं 1 जून को जो है वो अभी ओपनिंग होगी। अभी कहते हैं यहाँ पे इतनी कोई गर्मी नहीं है, तो ये भाई हम जो हैं वो हमें वापस लेके जाएंगे। छिटी यार, इतने मम्मी डैडी कपड़े पहनते कि चलो हम जाएंगे और वापस जा रहे हैं। महारानी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने, बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ से हम लोग नीचे उतर के वो हमें थोड़ी सी गाड़ियाँ नज़र आई हैं, फिशिंग वगैरह भी हो रही है, तो हम लोग भी ज़रा ना देखते हैं। चल हम पहुँच गए हैं और यहाँ के जो है वो फुल जो है वो नज़ारे हैं, लोग आके बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाली धूप नहीं है, ये होती है जी। शूट वगैरह कर लिया है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वो अम्बरान बीच बंद था, तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी जगह थी, लोग फिशिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं और उस साइड पे भी कर रहे हैं। वो देख पिक्चर्स यहाँ पे हमारे शोर शुक्र अच्छी आ गई हैं, लेकिन 40-50 बना जो है वो साया हो गया। अच्छा, महारानी रेस्टोरेंट पहुँच गए, वो हमारे ड्राइवर चले गए। ये देखें जी, महारानी इंडियन रेस्टोरेंट है। अभी मैं और सामा यहाँ पे जाके कुछ खाएंगे पियेंगे। आज हमारे साथ बहुत हैवी वाला प्रैंक हो गया। इंडिया का बंदा मिल गया, ठीक है, हमसे उर्दू में ही बात कर रहा था। चलो ये अच्छा हो गया कि सुकून से इजीली अब हम ये पढ़ लेंगे। इनकी ये पनीर टिक्का, पनीर चिली और ये जो चिकन जो भी इनका पकोड़ा कुछ मंगवाएंगे और सुकून से खाते पीते हैं। महारानी क्वींस ऑन कुजीन ऑर्डर आ गया। ये है लच्छा पराठा, ये इनका बटर चीज, रशियन सैलेड, स्टीम चावल और चीज। हाँ भाई, आप इसके अपना ये रिजल्ट भी है, हमें आप ये दिया करें ना कि इसका ये टेस्ट कैसा। चलो अभी हम खा, ये कह रहे थे कि ये है लच्छा पराठा, वो भाई हमें भी पता है, ठीक है, टेस्ट करके बताओ और आप ये रिकमेंड करो कि ये हमें इस रेस्टोरेंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, अब आपने टेस्ट करके रिकमेंडेशन देनी है आम ये पब्लिक को, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है। ओके डन, इंशाल्लाह अभी मैं देता। सब भाई चांद भट्ट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वाह जी वाह, सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। चलो जी अब देख लो, मियाँ साहब ने कह दिया अब हम इसको खाएंगे और लाजमी आज एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ की कमी थी इसके अंदर या नहीं थी। ओके, चाय पीने की बाकी यार 7 दिन बाद करने लगे। मैं 6 दिन का पी रहा हूँ चाय और बड़ी अच्छी लग रही है। खाने की बात कर लें तो खाने के अंदर जो इनका जो बटर जो हमने मंगवाया था वो भी बहुत, मतलब कि हम इतना कोई स्पेशल नहीं था, इतना कोई मज़े का नहीं था, लेकिन यहाँ का वो सबसे स्पेशल था। 100 में से 80% तो मज़ा आ रहा था खाने का, ठीक है। और इनका एक लच्छा पराठा था वो भी अच्छा था, डिफरेंट टेस्ट था उसका। चावल जो थे वो इंतहाई सॉफ्ट थे, मज़े के थे। इसके अलावा रशियन सैलेड बहुत मज़े का था। और दूसरी बात यह कि यार काफ़ी कोऑपरेटिव इनका स्टाफ था, इंडियन थे सारे, ठीक है। इन्होंने हमें अंदर जो है वो सेपरेट जगह पर इन्होंने बैठा दिया, साथ हम लोगों ने चाय शाय पिया। तो उसामा आप क्या कहोगे यार? यार ये रेस्टोरेंट वाले ना काफी ज्यादा ये कोऑपरेटिव थे, हमने सिर्फ ये बोला कि हमने ना चाय के साथ ये स्मोक करना, उन्होंने कहा कि वही है प्राइवेट लाउंज, तो आप उधर जाके ना आप बैठ जाओ, तो इधर हम बैठे हैं। खाना भी अच्छा था, गुड था ना। तो हमें भी चाहिए यार, हम लोग भी इनकी कदर करें, इन्होंने हमारी बहुत की। आज हमें पता चल गया कि यार बाकी अच्छे होते हैं, इंडियन भी अच्छे होते हैं यार। कुछ 2-4 बंदों की बातों की वजह से हमें जो है ना वो इतना इनके साथ नहीं करना चाहिए, सारे ठीक हैं, सारे अच्छे होते हैं। बी बर्गर है, एक ये मंगवा ले, एक मंगवा ले, तो कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा भी मंगवा ले, वो भी दिल कर रहा खाने को।
और एक ये भी है क्लब सैंडविच चिकन फिले, इनका ये नहीं सही होना, अच्छा होगा इनका बल्कि ये। ऑर्डर शर्डर हम लोग दे रहे हैं, आके फिर से लेट गए। आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, कल हमने फिर से शॉपिंग शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। और रात को आपको हमने बताया था, तो ये सीन बैड है कि जो जल्दी से जो चीज़ें बंद कर देते हैं ना 11 बजे, वो काम ख़राब है, तो हमें रोज़ रात को फिर इसी तरह मंगवानी पड़ती है खाने के लिए कुछ ना कुछ। यार ये हमारा पिज़्ज़ा वगैरह तो आए हाय 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 मज़े का लग रहा है, अब इसको कुछ पड़ते हैं। ये हमारे फ्राइज हैं, ये हमारे वेजेज हैं, और एक हमने एक और चीज़ मंगाई है, ये देखें छुपा रुस्तम सैंडविच। यार समय दे ही दे तोड़ के, किधर है इसमें देखना अंदर वाले, एक मिनट। आखिरी दिन ना, होप सो इंशाल्लाह जिधर 5 दिन अच्छे गुजर गए, कल लास्ट डे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद हम वापस, ओ ये देख रहा अपने तू, कल फिर हम लोग अपने वापस लाहौर, और जाना पाकिस्तान भी यार जाना वाकई। अच्छा 3-4 हम लोग खुश बहुत होते हैं कि हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे आएंगे वहाँ पे फिरेंगे, लेकिन 4-5 दिन बाद ना लाहौर की ऑटोमेटिकली याद आना शुरू हो जाती है। सच बता दिया कि नहीं, कसम डरती है। हाँ तो फिर मिलूंगा आपको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।